गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम सब लोग जा रहे हैं गणपति जी के दर्शन करने के लिए। घर के पास, मतलब थोड़ा सा दूर पे ही है गणपति जी के पंडाल। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ बनते हैं, तो चलिए मेरे साथ आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत सारे पंडाल रहते हैं, मतलब कुछ जगहों पर हम लोग जाएँगे, दर्शन करके आएँगे गणपति जी का। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं पंडाल में, देख लीजिए आप सब लोग भी गणपति जी का दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। और ये गणपति जी बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पे रहती है, बहुत सारे यहाँ मुंबई फ्रेंड्स पंडाल बनते हैं। तो ये तो हमारे घर के, मतलब कि 15 से 20 मिनट की दूरी पे सब गणपति जी के पंडाल है। घर के पास में बहुत सारे हैं, तो जितने भी रहते हैं ना, हम सब लोग दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे, आपको तो पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ गणपति का मतलब कितना ज़्यादा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। किसी दिन विसर्जन, पहले दिन तो अच्छे से बैठाना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके विसर्जन का दिन आता है ना, तो वो भी बहुत देखने में अच्छा लगता है। सब लोग धूमधाम से विसर्जन भी करते हैं, डांस गाने बजाना, डीजे, मतलब भजन हो गया, भजन के गानों पे डांस उत्सव बहुत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से फिर हम सब लोग गणपति जी के दर्शन किए। वहाँ बाहर में ना जैसे गार्डन बने हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झूले हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो वहाँ भी बच्चे में जो खेलते। ये मेरी सोसाइटी का मंदिर है, वहाँ मैं चलिए आपको दर्शन करा देती हूँ। ये मेरी सोसाइटी का था, ये गणपति जी का मंदिर का दर्शन करिए आप सब लोग। तो इस तरह से करते करते हम लोग ना फिर सिद्धि विनायक भी गए थे दर्शन करने के लिए, उसका ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स फटाफट से जाके देखिए। अभी मुझे बस अभी तीज का डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तीज का ब्लॉगिंग भी मुझे डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट किया कि तीज का मतलब आप ब्लॉग आपने नहीं डाला, तो मैं भी उसको बस एडिट वगैरह करना है, उसको करके मैं फटाफट से उसको भी अपलोड कर दूंगी। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रीति श्रीवास्तव स्टाइल मुंबई। और वीडियो पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हर तरीके से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे, चाहे जैसा भी आपको मतलब चाहिए वैसा आपको मिलेगा, मतलब मेरे रिलेटेड जैसा मैं बनाती हूँ उस तरह से बोल रही हूँ। तो इसी गणपति बप्पा का आप सब लोग फ्रेंड्स अपनी मनोकामना मांग लीजिए, अगले गणपति आते आते आप सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी गणपति जी की। अभी तो फ्रेंड्स नवरात्रि का भी फेस्टिवल बस स्टार्ट होने वाला है पितरपक्ष के बाद में, तो इसके बाद देखिएगा आप लोग नवरात्रि में नौ दुर्गे का रूप का भी यहाँ बहुत सुंदर होता है, डांडिया वगैरह बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी नौ दिन का फास्ट रहते हैं फ्रेंड, घर में माता रानी हम लोग भी बैठाते हैं, लेकिन उसके साथ घर के सामने हम लोग के बहुत सुंदर सस्ता है पंडाल, बहुत अच्छे अच्छे पंडाल यहाँ रहते हैं नवरात्रि के भी गणपति के भी। तो आप सब लोग वीडियो बने रहिए फ्रेंड अच्छे अच्छे, अब तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं और साथ साथ में वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगर वीडियो कोई भी पार्ट अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगता है वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो गणपति बप्पा का जयकारा लगाते लगाते। अब देखिए धीरे धीरे नवरात्रि का भी समय आ जाएगा, समय बीतते पता नहीं चलता फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल रहते हैं ना तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये देखिए बिल्कुल ऐसी मूर्ति ना आपको लाल बाग राजा में भी देखने को मिलती है। इस बार हम लोग लाल बाग राजा नहीं गए थे, हम लोग सिद्धि विनायक गए थे, मुंबई का जो फेमस मंदिर है ना वहाँ दर्शन करने गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे पंडाल हैं, तो सब गणपति बहुत सारे बड़े बड़े गणपति हैं ना, तो कहीं कुछ मतलब सजावट से आपको पता चल जाएगा अलग अलग हैं, जैसे हर तरीके डेकोरेशन हर जगह के अलग अलग रहते हैं। तो उस दिन हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए थे, मतलब बहुत जगह के फ़ोटो मतलब क्लिक की थी, तो सबको मैंने इस साथ ही डाल दिया है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग फिर एक जगह और गए थे, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं हम लोग कहाँ गए थे। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, और कोई भी बात होगी तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट में ये क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मुंबई में, तो मुंबई में क्या है ना, यहाँ हर तरह के फेस्टिवल बहुत धूम धड़के से मनाए जाते हैं, गणपति हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो। दशहरा भी इतना बेहतरीन होता है यहाँ पे ना कि क्या बोलूँ, बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे रहते हैं। 12 तारीख को है ना दशहरा, आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस इस तरह से आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, तो बस आपको हाथ डाल दीजिए अच्छी अच्छी, जैसे मैं कोई वीडियो डालूँगी फ्रेंड आप सबके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर डेकोरेशन है गणपति बप्पा का,
तो कहीं पे कहीं मतलब उनके जो लाइट्स जो हाथ पे ना इतना सुंदर वहाँ पे ई वाले मंदिर में पहनाया था ना, बहुत सुंदर लगा था। बस हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, घर देखे बाहर में भी कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना, बहुत गाने बज रहे थे बहुत। मैं तो आवाज़ को म्यूट कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना। ये देखिए मेरे बेटा कितना अच्छे से खेल रहा है, उसको तो जाने का मन ही नहीं था, ज़बरदस्ती बोलना पड़ा कि नहीं चलो बच्चे भाई अब लेट हो जाएगा, तो क्योंकि घर पे डिनर वगैरह भी सब बनाना था, बना के नहीं आए थे, दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ इनका एंजॉयमेंट हो रहा था पार्क में, गणपति के बाहर में ये बहुत सुंदर सुंदर झूले भी आए थे, जैसे लगा था बिल्कुल मेला लगा हो उस तरह से लगे हुए थे। तो बच्चा मेरा मतलब बेटा ये सब इंजॉयमेंट किया, इसके बाद फिर हम लोग निकल आ गए घर पे। ये सोसाइटी के मैंने गणपति हैं, तो मैं सोचा कि यहाँ का भी आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर सोसाइटी का मतलब जब रहता है ना गणपति, बहुत सुंदर सजाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए पूरा सजा हुआ, हथेली सुबह शाम आरती होती है। तो इस तरह से आप लोग दर्शन करिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। इसके गणपति बप्पा मोर।